नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। सभा देखिए, आपके दो तीन सवाल हैं। मैं शुरुआत यहां से करता हूं कि क्या इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कमजोर हो रहा है? चूंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए और सबसे ज्यादा चर्चा में हैं कमलनाथ इस समय। अशोक चौहान के बाद कमलनाथ की चर्चा चल रही है। कमलनाथ 2019 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। अगर आपको याद हो तो 2019 के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद से। अगर आप उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विजुअल निकाल सकें, आपकी टीम किसी भी समय निकाले, कि उसमें क्या कहा था उन्होंने। उन्होंने तीन चार नेताओं के नाम लेकर कहा था कि ये नेता अपने बेटों को जितवाने में लगे रहे और पार्टी इसके कारण हार गई। उन नेताओं के उन्होंने नाम लिए थे और उन नामों में एक नाम कमलनाथ का था और दूसरा नाम अशोक गहलोत का था। अशोक गहलोत के बेटे हार गए वैभव जोधपुर से, कमलनाथ के बेटे जीत गए क्योंकि प्रधानमंत्री छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए नहीं गए थे। एकमात्र कैंडिडेट जो जीता वो कमलनाथ के बेटे का था, बेटे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में आलोक शर्मा जी जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया था कि कमलनाथ की बीजेपी से सांठगांठ। उनके जो सिपा सालार थे सज्जन वर्मा, जो इस समय कमलनाथ के बचाव में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो दौड़कर दिल्ली आए थे और उन्होंने कहा था कि इसका कांग्रेस आला कमान को खंडन करना चाहिए। कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को तश्तरी पर रखकर मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव सौंप दिया था। किसी को आश्चर्य नहीं है मध्य प्रदेश में, सिर्फ दिग्विजय सिंह को आश्चर्य है। बच्चे बच्चे को पता है, एक एक विधायक को पता है कांग्रेस और बीजेपी के, दिग्विजय सिंह को पता नहीं है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मुझे, मैं नहीं मानता कि वो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इन लोगों के जाने से कांग्रेस मजबूत हो रही है। इन लोगों का भविष्य खत्म हो चुका था राजीव जी कांग्रेस में। एक नई कांग्रेस का जन्म हो रहा है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी के हाथ में है। उस कांग्रेस में अब न तो दिग्विजय सिंह के लिए जगह है और न कमलनाथ के लिए जगह है। ये लोग घबराए हुए हैं। महाराष्ट्र में अशोक चौहान के लिए कोई जगह नहीं बची है, ये कहां जाएंगे? तो इसलिए ये लोग कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और अपना जो वजन है, अपने जो पाप है, वो भारतीय जनता पार्टी में लेके जा रहे हैं। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ऑलरेडी बढ़ रहा है। इसका स्वागत करना चाहिए कि राहुल गांधी जो काम नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने का। जितने लोग जा रहे हैं वो लायबिलिटी बन गए थे। राहुल गांधी सौजन्यता के कारण अपनी मां के समय के इन साथियों के
कांग्रेस में होने के कारण राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में, केवल एक या दो सभाएं लेने गए औपचारिकता के तौर पर। प्रियंका गांधी ने 3-4 सभाएं ली बस। हर आदमी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतने जा रही है और उसके बावजूद कांग्रेस की विश्वसनीयता का कमाल है कि कांग्रेस के वोट शेयर में मध्य प्रदेश में कमी नहीं हुई। इतने षड्यंत्रों के बावजूद जो वोट शेयर बढ़ा है बीजेपी का, वो लाडली बहना योजना के कारण बढ़ा है। और आपने देखा कि एक तरफ तो बीजेपी कमलनाथ को ले रही है और दूसरी तरफ शिवराज सिंह के पर काट के उनको किनारे कर दिया गया है। अपने लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है और कांग्रेस से और दूसरे दलों से लोगों को लिया जा रहा है। दूसरा सवाल आपका राहुल गांधी के बारे में, ये यूपी में पहला दिन था जैसा शकील साहब ने कहा, और प्रधानमंत्री के घर में जाकर उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हमारे यूपी में तो ऐसा कहते हैं। अब वो अपने आप को गुजरात का नहीं कहते हैं, अब अपने आप को यूपी का कहते हैं। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर राहुल गांधी ने सत्ता के शिखर को ललकारा है। जिस रास्ते से राहुल गांधी निकले उसको गंगा के जल से धोया गया, वो गंगा के जल से राहुल गांधी के मार्ग को नहीं धोया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उस मार्ग से जितने मंदिरों को, पवित्र स्थानों को हटाया था, उन पापों को के प्रायश्चित में उसको धोया गया है। मीडिया के संस्थानों का लाभ लिया, नाम लिया उन्होंने, बहुत जरूरी था। कोई राजनीतिक दल हिम्मत नहीं कर पा रहा है नाम लेके उनको अपमानित करने का, पब्लिकली जलील करने का। राहुल गांधी ने वो काम किया। राहुल गांधी के हाथ में उन 25-50 मीडिया के गुलामों की लिस्ट भी सौंप देनी चाहिए और उनके भी नाम लेके उनको बोलना चाहिए कि ये हैं मीडिया के गुलाम जो देश में पत्रकारिता को गुलामी की जंजीरों में बांध रहे हैं। वो करेंगे। ये मीडिया डरा हुआ है राजीव जी, वो इसलिए डरा हुआ है कि एक्सपोज हो गया। कांग्रेस ने अपने इतने लंबे इतिहास में, 140 साल होने आए इतने इतिहास में, कभी मीडिया का नाम नहीं लिया इस तरह से, और वो लेना जरूरी हो गया था क्योंकि ये मीडिया जो है देश को गुलामी में डाल रहा है। और यही लोग जिनके नाम लिए हैं ये चापलूसी करते थे, मैंने देखा है कांग्रेस की हुकूमत में जिन एजेंसियों के नाम लिए उनको मैंने मनमोहन सिंह की हुकूमत के समय कांग्रेस की चापलूसी करते हुए देखा है, उनके संपादकों को देखा है। इन लोगों को बेनकाब करना जरूरी है क्योंकि ये लोग देश तक, देश की जनता तक खबरें नहीं पहुंचने देंगे। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके सब्सक्राइबर्स 50 लाख हो गए, ये कोई कम संख्या नहीं है। ये चुनौती है कि देश में जब राजनीतिक दलों में इतना डर फैल रहा है, जनता नीडर होके आपको सुन रही है, ये संकेत है इस चीज का। ये जनता ने डरना छोड़ दिया है, ये इस बात का सबूत है कि जनता आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर रही है। इसका मतलब यह है कि जनता नहीं डर रही है, भ्रष्ट नेता डर रहे हैं। तो ये
राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश जो है कुरुक्षेत्र बनने वाला है राजीव जी इस राजनीति का। और आपने देखा जयंत चौधरी ने जिस तरह से पूरे के पूरे अखिलेश को धोखा दिया, उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी साइलेंट मोड में है। बहुत बड़े बड़े वहां घटनाक्रम होने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि जो सबसे बड़ी क्रांति है उत्तर प्रदेश से होगी इस बार। इसलिए राहुल गांधी ने बनारस से इसलिए शुरू किया, राहुल प्रधानमंत्री जाने वाले थे, बिहार झारखंड और बंगाल नहीं गए। राहुल गांधी का जब उन्होंने देखा चमत्कार, अब राहुल गांधी बनारस हो आए हैं और विश्वनाथ मंदिर के अंदर के विजुअल्स तो लोगों तक नहीं पहुंचे पर भीड़ के विजुअल्स तो पहुंच गए, जनता के विजुअल्स तो पहुंच गए। राहुल की जो जनता है वही उनके शंकर हैं और वही महादेव हैं। तो राहुल ने जो तांडव शुरू किया है वाराणसी से वो बहुत भारी पड़ेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।